दिग्रस शहर में अब बाजार खुलने से स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों ने खुशी जाहिर करते हुए पालक मंत्री और प्रशासन को धन्यवाद दिए। वहीं दूसरी तरफ शहर में 18 पॉजिटिव मामले दर्ज होते ही कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब मंगलवार की शाम तक 82 पर जा पहुंचा। दिग्रस शहर और तहसील में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से लगातार जारी कर्फ्यू के चलते जहां आम नागरिक परेशान हो चुके थे, वहीं बाजार की रंगत भी फीकी पड़ गई थी। ऐसे में जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ ने हाल ही में जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी सहित अन्य जिला प्रशासकीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर दिग्रस और पूसद के बाजारों को दोबारा सुचारू रूप से शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके चलते मंगलवार को बीते कई दिनों से बार बार बंद की वजह से गुम हुई बाजार की रंगत फिर लौट आई। हालांकि मंगलवार को बाजार में ग्राहकों की भीड़ ज्यादा नहीं थी। बहरहाल बाजार खुलने से नागरिक, ग्राहक और व्यापारियों ने खुशी का इजहार किया, साथ ही आगे भी बाजार निरंतर रूप से शुरू रहे ऐसी मंशा भी जताई। भविष्य के जो बनता जो चालू होगा उसकी प्रशासन का शुक्रिया करते हैं हम, जो खुल गया, मगर ये जो खुल गया तो इसको बार बार ये बंद नहीं करना होना। रोजगार जो है बेरोजगार लोग ये परेशान हो जा रहे हैं, ऑलरेडी पहले से परेशान है, ये खोल रहे और बार बार बंद कर दे रहे। क्या व्यवसायावर खूब परिणाम पडलेला है, त्या कारणाने आमच्या सारखे भी गरीब दुकानदाराला परिस्थिती बिकट झालेली आहे। तरी या कोरोना व्हायरस याचे बाब लक्षात नाही घेता बिकट परिस्थिती आहे ही लक्षात नाही आपण घ्यायला पाहिजे। बीते 22 जुलाई से लगातार बंद की स्थिति और कर्फ्यू की पाबंदियों के कारण नागपंचमी, बकरीद ईद और रक्षाबंधन जैसे अहम त्योहारों का मजा किरकिरा हुआ, जिस वजह से व्यापारियों, ग्राहकों और नागरिकों में नाराजगी बनी हुई थी, जो कि मंगलवार को बाजार खुलते ही कुछ हद तक कम हुई है। बंद होते पूर्ण दिग्रस मार्केट आणि याच्यामुळे लोकांचं लई नुकसान झालं। त्याच्यात सण त्योहार गेले, आपले रक्षाबंधन गेलं आणि लोकांचं गोरगरिबाचं हे मजुरी बुडली, तर त्याच्यामुळं खूप काही नुकसान झालं। माझी शासनाला एकच विनंती आहे की 9 ते 5 जरी चालू राहिला आता कंटिन्यू मार्केट तरी चालेल, नेहमी नेहमी बंद ठेवू नये। आणि दुकानदारांनी लोकांनी पण कोरोनाची काळजी घ्यावी, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून आपलं व्यवहार करावे। किराणा दुकानात पण आज गर्दी वगैरे काही दिसली नाही, शांततेनं मस्त सुरळीत झालं, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून चांगलं सुरळीत बाजार छान झाला। इस मौके पर किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी पालक मंत्री और प्रशासन को धन्यवाद देते हुए उनकी मांगों को गंभीरता से लिए जाने और बाजार शुरू करने के निर्णय का स्वागत किया है। जनता को जो तकलीफ हो रही थी उसके लिए हम प्रशासन के पास गए, पालक मंत्री के पास गए और पालक मंत्री ने हमारे शब्दों को मान देकर और प्रशासन ने भी हमारे शब्दों का मान रखा और पूरा बाजार 9 से 5 बजे तक का जो लंबा टाइम दिया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है पालक मंत्री का, प्रशासन का भी, सभी व्यापारी वर्ग के तरफ से मैं फिर से एक बार प्रशासन और पालक मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। जनता की परेशानियों और ग्राहक सहित व्यापार वर्ग की मांग को ध्यान में रखते हुए पालक मंत्री और जिला प्रशासन ने बाजार खोल तो दिया है, लेकिन बतौर नागरिक सभी के लिए कोरोना संक्रमण को रोकने के संदर्भ में केंद्र सरकार और WHO द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सही से पालन करना जरूरी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। मंगलवार शाम तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या तहसील में 82 दर्ज की गई, वहीं कई स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखते हुए प्रशासन को सहयोग देना ही समय की मांग है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।